अमृतसर में दशहरा के दिन रावण की बजाय राम का पुतला जलाए जाने के विरोध में संत समाज ने शरारती तत्वों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। इसी मुहिम के तहत श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश जगत गुरु पंचानंद गिरिजी महाराज अम्बाला मोहड़ा धाम से महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान अमृतसर में दशहरे पर भगवान राम का पुतला जलाए जाने की घटना को निंदा और साफ शब्दों में कहा कि अम्बाला में भी राम का पुतला जलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। वहीं संतों ने कहा कि पंजाब में खाली स्थान मूवमेंट चल रही है और इसी के तहत यह साजिश की जा रही है। वहीं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में गाय की मौत के मामले में भी संत समाज ने चिंता जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनसा देवी में गाय की मौत का मामला चिंताजनक है। गाय माताओं को वहां से शिफ्ट कर कहीं और जाकर दबा दिया गया है। वह यह बात नहीं जानते कि इसका असर समाज पर पड़ेगा। वहीं अमृतसर में दशहरे पर रावण की बजाय राम का पुतला जलाए जाने की चिंता जताई। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट व पाकिस्तान आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं और सिखों में दूरी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह सनातन पर बहुत बड़ा प्रहार है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मंदिर न खोलने के मामले पर कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता के सुख के चक्कर में हिंदुओं को भूल चुके हैं, सत्ता के भोग में देवी देवताओं को भूल चुके हैं और यदि ऐसे ही रहा तो सत्ता भी चली जाएगी। वहीं संत समाज के आशीर्वाद से वह सत्ता में आए थे और अब संत समाज के क्रोध से समाप्त भी हो जाएंगे। आज जैसे कि हमें पता लगा कि मनसा देवी में कम से कम 200-250 गाय माताओं की मौत हुई है और बाहर जो चर्चा है वो 70-80 गाय की चर्चा हुई है। और जैसे कि महाराज जी ने बताया कि उनका मेडिकल चेकअप होगा तब पूरी सच्चाई सामने निकल के आएगी कि गाय का मरने का कारण क्या है। और हमें एक जानकारी और मिली है कि गाय माताओं को उस स्थान से कहीं और जाकर शिफ्ट कर दिया गया और उनको दबा दिया गया है। उन लोगों को इस बात का नहीं पता है कि गाय माता के साथ अगर ऐसा अन्याय हुआ है वहाँ पर मनसा देवी गौशाला में तो इसका जो कहर पड़ेगा वो बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहा गया है कि भूकंप कहे गाय की गाथा अति त्रास अति जसजासा जा दिन धेनु धरा न रही ता दिन धरा रसा रस तल गई। अगर ऐसे ही गाय माता मरती रही, ऐसे ही गायों के साथ अत्याचार होता रहा तो एक दिन ये पृथ्वी समातल धरती में समा जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसको मैं एक ही चीज़ का रूप दिया जा रहा है कि जैसे खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग कहीं ना किसी ना किसी रास्ते से पंजाब के अंदर अपनी एंट्री कर रहे हैं और हमारे इस हिंदुत्व को और हमारे सिख समुदाय को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं जिससे हमारे देश में हिंदू और जो सिख हैं इनमें दूरियाँ बन जाए और कई ऐसे भ्रम पैदा कर रहे हैं जिनसे स्टेट के अंदर दंगे हों, फसाद हों, उनको चलते हुए ये लोग कार्य कर रहे हैं। इस सनातन पर बड़ा बहुत बड़ा प्रहार है, जहाँ कि उन्होंने राम का जो पुतला जलाया भगवान श्री राम का, ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महाराज श्री पंचानंद गिरी जी ने बहुत बड़ा इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कई जगह पर्चे भी दायर करवाए हैं और अम्बाला में भी इसके लिए वो आगे आए हैं आज और पर्चे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में वो करने जा रहे हैं। उनके साथ हम लोग भी मिलकर इस कार्य में भाग लेंगे। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल सोई हुई है और उद्धव ठाकरे ये भूल गया है कि उसके जो पिताजी ने नींव रखी थी उस संगठन की, एक सनातन के संगठन की नींव रखी थी, आज वो सत्ता के सुख के भोग में सब कुछ भूलता जा रहा है। केवल उसको अपना एक सत्ता का सुख याद है और उद्धव ठाकरे सब कुछ खोल चुका है बॉम्बे के अंदर, केवल एक मंदिर हमारे नहीं खुले हैं जो कि बहुत बड़ा पर्व था हमारे नवरात्रों का, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने वो मंदिर नहीं खोले। मैं उद्धव ठाकरे जी से यही कहना चाहूँगा, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो, सत्ता के इस भोग में वो बिल्कुल देवी देवताओं को भूल चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा है तो बहुत जल्दी उनकी सत्ता भी चली जाएगी और संत समाज इसके लिए आगे आ चुका है। अब संत समाज उनको नहीं बख्शेगा, संत समाज के आशीर्वाद से वो बना था और संत समाज के क्रोध से ही वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मंदभागी की घटना है ये। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है और इतनी बड़ी धार्मिक स्थान की गौशाला जो प्रसिद्ध है और हजारें गायें का पालन पोषण हो रहा है मनसा देवी में, वहाँ ऐसी घटना, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि किन कारणों से गौ माता की हत्या हुई। अगर उच्च स्तर जांच करने के बाद दोषियों को सजा दी जाए, अगर दोषियों को सजा नहीं दी जाती तो इसके खिलाफ हम आंदोलन करें। देखिए, पंजाब में लगातार
पाकिस्तान की ISI एजेंसी और खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है द्वारा से पंजाब में 80 वाले हालात बनते जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत की जा रही है। भगवान राम सबके लिए पूजनीय हैं, आदर्श हैं, लेकिन ऐसी जो शरारत हुई अमृतसर के देहाती इलाके में पर्चा दर्ज हो गया है, 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी गिरफ्तारियों के लिए रेड जारी है। आज पटियाला के SSP भी कंप्लेंट दी है, अभी अम्बाला में भी कंप्लेंट दी जाएगी, पूरे देश के हर शहरों में पर्चे दर्ज कराए जाएंगे ताकि आगे को ऐसी हरकत कोई भी ना कर सके। कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना का नींव पत्थर रखा था, आज उनकी आत्मा तड़फ रही होगी कि मेरे पोत की जगह ऐसा पोत होता ही ना। वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की आवाज़ को ख़त्म कर दिया। आज ठेके बार सब कुछ खुल रहा है, लेकिन मंदिर खोलने में उसको तकलीफ है। मंदिरों में कोरोना की बात आ रही है, बाकी ठेकों में, बार में, डिस्को में कहीं नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ जास्ती है। लगातार पूरे देश के इतने इतने बड़े स्थान खुल गए, जागरण शुरू हो गए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हिंदुओं के साथ एक साजिश के तहत, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले पालघर में संतों की हत्या, फिर उसकी जांच की पुलिस अफसरों को बदलना, फिर वकील की हत्या, कहीं ना कहीं ये सनातन पे प्रहार है। और जिसको सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके लिए संत समाज पहले भी उदय ठाकरे को वार्निंग दे चुका है, अब भी वार्निंग दे रही है कि धार्मिक स्थानों को खोल दो, वरना आने वाले समय में उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो जाएंगी।